नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया हरियाणा के पहले सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बेहतर स्वतंत्रता दिवस हरियाणा वासियों के लिए स्मरणीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए 3.5 साल के समय में हवाई अड्डे का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। अगले चरण में इस हवाई अड्डे का कार्गो टर्मिनल और सिविल एविएशन की ट्रेनिंग भी शुरुआत की योजना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी होने पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में आ सकता है। हम हर मानदंड को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना सकें। इस दिशा में हिसार से लेकर के दिल्ली तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी की योजना भी बनाई जा रही है। आप देख रहे हैं हिसार से पलपल की एक खास रिपोर्ट। आज ये 72वां स्वतंत्रता दिवस ये वास्तव में ही हरियाणा के लिए, विशेष तौर पर हिसार के लिए एक बहुत ही स्मरणीय दिवस के रूप में जाना जाएगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट की वर्षों से कल्पना कह लीजिए, इसको कंसीव किया गया छोटे रूप में, इसके विस्तार की बात बहुत से दावे किए जाते रहे, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस 3.5 साल के कार्यकाल में इसकी जितने भी पेंडेंसी थी, जितने काम की सब जो योजनाएं बीच में रुकी हुई थी, एक एक विभाग के साथ हमारी बातचीत, हमने तालमेल बैठाया। केंद्र में सिविल एविएशन विभाग, हमारा हरियाणा का सिविल एविएशन विभाग, हमारा जो पशुपालन विभाग, इन सब के साथ तालमेल बैठा करके और एक इस प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया है। जो सिविल एयरपोर्ट हिसार का हम लोगों ने आज देखा है कि इसका सारा काम पूरा हुआ है। अब एयरपोर्ट को चालू करने में कई इसके कदम होते हैं, कई चरण होते हैं। एक चरण इसका आज पूरा हुआ है कि इस एयरपोर्ट की सारी सुविधाएँ, एक एरोप्लेन को चलने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सारी आज पूरी कर दी गई हैं। आज 15 अगस्त के दिन मैं इस अवसर पर हरियाणा की जनता को, खास करके इस पश्चिमी हरियाणा के लोगों को इस एयरपोर्ट को समर्पित करता हूं, ताकि इसकी जो सेवाएं हैं अब उत्तरोत्तर जैसे जैसे सेवाएं बढ़ेंगी उन सेवाओं का उपयोग यहाँ के लिए हो सके। यहाँ हमारी प्लानिंग बहुत है आगे। यहाँ इस प्लानिंग में कार्गो का एक टर्मिनल बने, यहाँ पर MRO की फैसिलिटी आए, एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इस एरिया में कुछ काम शुरू हो, यहाँ एक कोई सिविल एविएशन की कोई एक ट्रेनिंग, कोई यूनिवर्सिटी, यहाँ का जो हमारा एक एरो क्लब, जो एरोप्लेन के लिए ट्रेनिंग का एक क्लब होता है, उस क्लब की एक्टिविटी जो पहले से चल रही हैं उसको कैसे आगे विस्तार दिया जाए, ये सब चीज़ें अब आगे बनने वाली हैं। और उसके लिए यहाँ का जो DPR है, आने वाले 18 महीने में हम यहाँ की जितनी, चाहे MRO है, सिविल एविएशन की यूनिवर्सिटी का भी एक विषय चल रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री की बात है, एरोस्पेस है, ये सब PPP मोड पर एक एक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने 18 महीने के अंदर DPR बना लेंगे। और बहुत जल्दी यहाँ से एक उड़ान स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि हमें मालूम है पूरे देश का आम आदमी, ये एक आम नागरिक, ये एक स्कीम जो बनाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक, यानी एक वाक्य जो प्रयोग किया कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ सके, तो इस प्रकार की एक योजना के अंतर्गत बहुत जल्दी उड़ान के एक हवाई सेवा, वो हमारा टाइप हो गया है, पिनेकल एयरलाइंस से टाइप हो गया है। बहुत जल्दी उनका जहाज जो है, जैसे ही तैयार होगा उसकी डेट बता दी जाएगी आपको, विद इन 2 मंथ्स ये जो कोई ना कोई एरोप्लेन यहाँ से हिसार, यानी दिल्ली से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, ये 2 फ्लाइट्स हैं, ये रेगुलर सप्ताह में 6 ट्रिप इसके ये होंगे और जिसको चालू होगा। और उसमें VGF की जो एक योजना है सरकार की ओर से, उसमें ग्रांट दी जाएगी और पैसेंजर से कम किराया ये लेकर के और इस हवाई पट्टी को शुरू किया जाएगा।